तो वापस से आ चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग वापस से गूगल इंटरव्यू का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि डुप्लीकेट सबट्री बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर सबट्री क्या होता है, सबट्री हम लोग तभी मतलब जैसे कोई बड़ा सबट्री है उसके अंदर सबट्री हम लोग उसी को कहेंगे जब हम लोग एंड नोड पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि 245 हमारे यहाँ पर सबट्री है, 245 यहाँ पर सबट्री है, 3245 हम लोग यहाँ पर सबट्री है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लीफ नोड को एज अ सबट्री कंसीडर नहीं करने वाले हैं और इक्वल होने का बात है। तो यहाँ पर अगर 24 यहाँ पर 3 लेफ्ट में 3 रहता फिर 5 रहता तो यहाँ पर क्या हम लोग 245 को सबट्री कह पाते, नहीं। हम लोग को तब क्या कहना पड़ता, 243 और फिर 5, तो वो सबट्री हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर 245 और यहाँ पर 245 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि डुप्लीकेट सबट्री एग्जिस्ट कर रहा है। और उसी तरीके से यहाँ पर एक ही सबट्री है 1 2 3, तो यहाँ पर एक ही सबट्री है, यहाँ पर एक ही ट्री ही है, तो यहाँ पर कोई सबट्री डुप्लीकेट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, हम लोग क्या फंडा लगाने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, फंडा बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ट्रैवर्स करेंगे। तो ट्रैवर्स हम लोग कैसे करेंगे, रूट लेफ्ट राइट। रूट लेफ्ट राइट का मतलब होता है कि 1 पे आए तो हम लोग रूट को ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इन द सेंस मतलब 1 आएगा सबसे पहले, फिर 2 आएगा, फिर उसके लेफ्ट में जाएंगे, रूट लेफ्ट, लेफ्ट का रूट क्या है 2, फिर लेफ्ट 4, और उसके बाद यहाँ पर 5, और उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 5। तो रूट लेफ्ट राइट का वेरिएशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे कि हर एक नोड पर जाएंगे और उससे क्रिएटेड सबट्री को एक स्ट्रिंग में स्टोर करते चलेंगे और उस स्ट्रिंग को हम लोग एक हैश मैप में डालते चलेंगे और क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैसा ही स्ट्रिंग हम लोग को मिलता है अगर, तो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे। क्या कहा मैंने, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर 2 आता हूँ, तो 2 पर आता हूँ, तो उसके नीचे सबट्री क्या बन रहा है, तो यहाँ पर उसके नीचे सबट्री क्या बन रहा है, 2 4 5, तो यहाँ पर एक सबट्री बन रहा है। तो हम लोग इसको एज अ स्ट्रिंग हैश मैप के अंदर स्टोर करेंगे। हैश मैप क्या बनाएंगे, हम लोग स्ट्रिंग टू इंटीजर का, यानी कि हम लोग स्ट्रिंग हमारा की रहेगा और इंटीजर हम लोग का वैल्यू, और उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करके रखेंगे। तो जैसे ही हम लोग कोई भी स्ट्रिंग मिलता है, जैसे कि 2 4 5 हम लोग को मिल रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग हो रहा है, तो ये स्ट्रिंग मिलता है तो हम लोग वैल्यू को अपडेट करके 1 से बढ़ा देंगे और फिर हम लोग को वही सेम स्ट्रिंग 2 4 5 वापस से इस जगह पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एट द एंड कि कोई ऐसा स्ट्रिंग है जिसका हम लोग का की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ा हो रहा है। अगर 2 या 2 से बड़ा होता है इसका मतलब ही वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग क्या क्या बन सकता है, 2 4 5 एक स्ट्रिंग बन सकता है और यहाँ पर 3 2 4 5 भी एक स्ट्रिंग बन सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग एक स्ट्रिंग करेंगे और हैश मैप के अंदर उसको डालते चलेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी को अपडेट करते चल रहे होंगे और बाद में हम लोग चेक करेंगे कि कोई भी अगर ऐसा मिल जाता है जिसका 2 या 2 से बड़ा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंस्ट्रेंट क्या है, बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन ही है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, तो फंक्शन को क्रिएट करेंगे हम लोग, स्ट्रिंग टाइप का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे होंगे, स्ट्रिंग, और यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, फाइंड एक्स। और फाइंड एक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले रूट मंगवा लेंगे क्योंकि हम लोग रूट का ज़रूरत हो गई पूरे ट्री में ट्रैवर्स करने के लिए। उसके बाद हम लोग को एक हैश मैप चाहिए, तो मैप और यहाँ पर स्ट्रिंग और इंटीजर, और स्ट्रिंग और इंटीजर के बाद हम लोग यहाँ पर एच पी नाम दे देते हैं, और एक स्ट्रिंग हम लोग को चाहिए होगा क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 4 5 एक अलग स्ट्रिंग बनेगा, उसका वो अलग से स्टोर होगा, 3 2 4 5 अलग होगा, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर एक अलग स्ट्रिंग बनेगा और उसका स्टोर हो रहा होगा। अब एक और गड़बड़ी यहाँ पर ये है ना कि अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसके नीचे जो सबट्री क्रिएट हो रहा है, तो क्या क्रिएट हो रहा है, 2 4 5, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर ये ट्री कुछ ऐसा नहीं हो कि 2 उसके राइट में 4 उसके राइट में 5 है, ठीक है, तो भी उसका जो सबट्री बनेगा वो सबट्री क्या बनेगा, उसका जो स्ट्रिंग बन रहा होगा सबट्री का वो क्या होगा, 2 4 5, तो वो यहाँ पर अपडेट कर देगा एक्चुअल में। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि 2 4 और 5 जो होगा वो सबट्री बराबर नहीं होगा इस सबट्री के। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कभी भी हम लोग को नल फेस करने को मिलता है, कभी भी हम लोग को अगर नल फेस करने को मिलता है तो हम लोग वहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग हैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि इसके अंदर पाया ना जाए। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग और बनाते हैं, स्ट्रिंग बन गया। अब इसके अंदर हम लोग क्या करना है, एक काम करता हूँ, थोड़ा एंटर डाल के इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बेस केस लिखेंगे, तो बेस केस बाय द वे यहाँ पर हम लोग रिकर्शन यूज़ कर रहे हैं और कोड हम लोग जावा में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत जन को ये नहीं पता होगा कि हम लोग जावा में कोड लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जावा में कोड लिख रहे हैं, तो बेस केस हम लोग का होगा रूट इज इक्वल्स टू नल, और यहाँ पर रिटर्न नल। तो यहाँ पर हम लोग बेस केस लिख दिया, अब उसके बाद आ रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, तो स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस इज इक्वल्स टू एस प्लस, और यहाँ पर रूट का जो हमारा डेटा है उसको हम लोग सबसे पहले ऐड कर रहे होंगे क्योंकि रूट लेफ्ट राइट जाना है हम लोग को, तो ठीक है। फिर एस इज इक्वल्स टू एस प्लस, अब हम मैंने क्या कहा था कि हम लोग लेफ्ट जाएंगे उसके बाद, तो यहाँ पर फाइंड एक्स और इसके अंदर रूट भेज रहे होंगे हम लोग, और हम लोग का हैश मैप जो है वो भेज रहे होंगे, और स्ट्रिंग में हम लोग नल स्ट्रिंग भेज रहे होंगे। तो इससे होगा क्या,
कि यहाँ पर ये, जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए वन पे हूँ, तो वो लेफ्ट में पूरा जाएगा, तो लेफ्ट से सब ट्री क्रिएट करके लाएगा, मतलब एक स्ट्रिंग क्रिएट करके लाएगा जो कि होगा 2, 4, 5, और उसको यहाँ पर ऐड कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग का स्ट्रिंग क्या बनेगा, पहले से ऐड था 1, फिर उसमें लेफ्ट में गया, तो लेफ्ट में जो सब ट्री का स्ट्रिंग है वो क्रिएट करके लाया 2, 4, 5, तो यहाँ पर वो एस में ऐड हो जाएगा, तो 1, 2, 4, 5 ऐसे बन जाएगा। अब हम लोग को सेम काम करना है, हम लोग को राइट का भी चाहिए, तो एस प्लस, और आप लोग को यहाँ पर लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा कि रिकर्शन ये सॉल्व करके ले आएगा। तो यहाँ पर फिर रूट, यहाँ पर रूट नहीं, रूट डॉट लेफ्ट भेजना होगा क्योंकि हम लोग लेफ्ट वाले पे जा रहे हैं, और उसके बाद रूट डॉट राइट, सिंपल। और यहाँ पर एचपी और यहाँ पर नल स्ट्रिंग, ओके, बहुत सिंपल हो गया। अब एक चीज़ आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा कि आप लोगों को बताएं, हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर ये जो HP है उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रिंग टाइप का की एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हुआ क्या कि 1 को ऐड किया गया, फिर लेफ्ट में जो ट्री था उसका सब ट्री का स्ट्रिंग क्रिएट करके दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर स्ट्रिंग में ऐड हुआ, तो 1, 2, 4, 5, उसके बाद राइट में गया तो क्या होगा 1, 2, 4, 5, 3, 2, 4, 5, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, तो एक स्ट्रिंग बनेगा। और वैसे ही वो रिकर्शन के अंदर जैसे जैसे जाता रहेगा तो एक स्ट्रिंग ये बनेगा, तब वो HP के अंदर ऐड होगा, फिर एक स्ट्रिंग इस वाले का बनेगा, तो फिर वो आप लोग मैप के अंदर ऐड होगा। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे क्या हैश मैप डॉट इस कंटेंस की, कि यहां पर ये की प्रेजेंट है भी नहीं है या फिर नहीं। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग इनिशियलाइज करेंगे किस वैल्यू से, तो HP डॉट पुट और यहां पर s, और उसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इस वैल्यू को अपडेट करना है, तो एस डॉट एच पी डॉट डॉट पुट, और हम लोग गेट करना है एच पी डॉट गेट, और गेट के अंदर हम लोग एस की को गेट करेंगे और उसके अंदर एक वैल्यू को प्लस कर रहे होंगे, ओ माय गॉड, एक वैल्यू को प्लस करेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू एस के अंदर स्टोर हो रहा होगा। तो यहाँ पर इतना काम हो गया। अब एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम लोग ये काम करते हैं, बाय द वे यहाँ पर रिटर्न नल नहीं करना है, रिटर्न हैश करना, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप लोग का रिटर्न करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए लेफ्ट में जाता है वो, लेफ्ट में जाने के बाद अगर उसको कुछ नल मिलता है तो एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करेगा, ताकि मान लीजिए यहाँ पर 2 के लेफ्ट में जाता है, 4 नहीं है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग डिफरेंट हो, ताकि हम लोग यहाँ, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैश रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए मैं एकदम लीफ नोड पे पहुंचा, तो उसके लेफ्ट में गया उसको नल मिला तो वो हैश ऐड गया, उसके राइट में गया उसको नल मिला तो हैश ऐड गया, तो ये चीज़ यहाँ पर ट्रू हो रहा है, फिर ये चीज़ यहाँ पर भी ट्रू हो जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर ट्रू हो रहा है और ये चीज़ यहाँ पर भी ट्रू हो जा रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं चाहते कि जो लीफ नोड है उसका, उसमें जो वैल्यूज़ है वो फिर प्लस प्लस हो और उसका फ्रीक्वेंसी बढ़े और हम लोग को एंड में रिटर्न कर दे कि हाँ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक चेक लगाना पड़ेगा, हम लोग को चेक क्या लगाना है, यहाँ पर हम लोग जो भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग एक चेक लगाएंगे, तो इफ़ कंडीशन एक और लिखेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे कि रूट का जो लेफ्ट है वो नल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर रूट का जो राइट है वो भी नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या चेक करें कि दोनों में से लेफ्ट और राइट में से कोई भी अगर नल नहीं है तो क्या करो कि इसके अंदर जो भी ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं वो कर दो, और अगर दोनों ही नल है तब हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे भैया अब लीफ नोड पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोग को इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत नहीं, जैसे कि 4 है, एस की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये काम तो हो गया, यहाँ पर इतना सारा काम तो हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर एस को रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न एस, सिंपल। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो फंक्शन है वो क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग को यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैप क्रिएट करेंगे हैश मैप, और वो स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर, और यहाँ पर एच पी इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, और फाइन, ओके, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर फाइंड एक्स को कॉल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एच पी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, एड्रेस रहता है, तो यहाँ पर वही सेम एड्रेस हम लोग यहाँ पर पास कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा वो उस एड्रेस पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो हम लोग को एच पी एज ए रिटर्न करके मंगवाने का ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट भेजेंगे और एच पी भेजेंगे, और यहाँ पर एक एच पी भेजेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक नल स्ट्रिंग भेज देंगे, फाइन। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर, अब फॉर लूप हम लोग चला रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, की से ट्रैवर्स करेंगे, मतलब की को गेट करेंगे, तो फॉर की कोलन, और यहाँ पर एच पी डॉट की सेट
और यहाँ पर की सेट हम लोग पूरा गेट कर लेंगे, तो जितना भी की रहेगा कि तो यहाँ पर हो सकता है 2 4 5 एक ऐसा की हो, फिर 2 4 5 ऐसा की हो, 2 4 5 हैश, फिर 5 हैश वैसा की हो, तो हम लोग सारा की को गेट करेंगे और सारे पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर hp.get और सारे की को हम लोग गेट कर रहे होंगे और चेक करेंगे कहीं उसका वैल्यू कहीं ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 तो नहीं। अगर 2 हो रहा है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 यानी कि सबस्ट्री एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर करो रिटर्न और यहाँ पर 1। और बाय द वे एक भी अगर एग्जिस्ट कर जा रहा है तो हम लोग को रिटर्न करना है और रिटर्न ट्रू। यहाँ पर हम लोग बस इतना ही बताना है कि कोई भी एक भी एग्जिस्ट कर भी रहा है या फिर नहीं। रिटर्न का स्पेलिंग में बार बार गलत लिखा, रिटर्न 0। अगर एक भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा यानी कि ये पूरा फॉर लूप खत्म हुआ और रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर रिटर्न कर दो 0। अब कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग का एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है 2 3 4 है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पर इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं ठीक ठीक चल रहा है या फिर नहीं। यहाँ पर बहुत तेज़ी से टेस्ट केसेस रन हो रहा है। यस डन कम्प्लीटेड। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और भी आप लोग क्वेश्चन आकर के सॉल्व कर सकते हैं, जा करके सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो से इतना, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। अगर आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए तब तक के लिए गुड गुड बाय।